Hey guys, you also. 2023 has been Haan, बहुत इंतजार कर रहे थे कि कब so, नहीं होगा गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत सारे अपडेट्स आपको मिलने वाले इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ऑल दो फिलअप करना चाहते हैं गाइज देखो

लेकिन कोई भरोसा नहीं है सिटी का क्योंकि यहां जो डेट थी ओनली टेन डेज या एक्सटेंशन हो सकता है माइट भी पांच से छह दिन आपको और मिल सकते हैं लेकिन इसी बीच आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है ओके सो स्टेप बाय स्टेप हम पूरी वीडियो को देखेंगे सो स्टेप बाय स्टेप सारी मेथड्स देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां आप देख रहे हो यूजर मैनुअल और इंफॉर्मेशन प्रोशर ठीक है सो इंफॉर्मेशन प्रोशल पे क्लिक कर लो डाउनलोड कर लो यहां सारी इंफॉर्मेशन दी गई है एग्जैक्टली exactly, ओके एलिजिबिलिटी क्या है एग्जामिनेशन फीस क्या होने वाली है टेस्ट सेंटर सिलेबस मार्किंग स्कीम एवरी थिंग मैं हो गई है ओके सो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है ट्वेंटी थर्ड ऑफ फेब टू दार्च ओके एंड सी टी ना हाउ मच परसेंटेज यू रिक्वाड फिफ्टी परसेंट फोर्टी फाइव परसेंट ये आपको पता ही है ओके okay, एलिजिबिलिटी आपके सामने है एग्जामिनेशन की फीस कितनी होने वाली है फॉर ओपन कैटेगरी कैंडिडेट ओ एम एस एंड जम्मू कश्मीर थाउजेंड रुपीज ओके एंड फॉर कैटेगरी कैंडिडेट एट हंड्रेड रुपीज ओके okay, फीस मेंशन है नाउ जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड सी ओवर येबस आप सिलेबस देख सकते ओके मीडियम ऑफ सी टी इंग्लिश मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन नेगेटिव मार्किंग नहीं है ठीक oh okay, okay, है थीके? और सारी डिटेल्स यहां से गो थ्रू कर लो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल एंड आफ्टर आपको आ जाना है यहां क्लिक ओवर न्यू रजिस्ट्रेशन ओके सो जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे ये इन्फॉर्मेशन जरूर गो थ्रू कर लेना क्योंकि हमने इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़ लिया है राइट सो आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन प्रोसेसर गो थ्रू ऑल दिस डिटेल्स ओके आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड क्लिक कर लिया नाउ कैंडिडेट्स फुल नेम सो नेम एज पर ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन अपीयरिंग एग्जाम फॉर्म और पास मार्कशीट ठीक है आपका जो ट्वेल्थ का मार्कशीट है as per 12th मार्कशीट आपको नाम एंटर करना है जैसे मैं बता दूं कि मेरा नाम वहां सरनेम फर्स्ट है सो so, मैंने यहाँ एंटर कर दिया सरनेम फर्स्ट दे आफ्टर माय नेम एंड दे आफ्टर माय फादर नेम ओके अगर आपके मार्कशीट पर नेम फर्स्ट है दैट एंटर नेम फर्स्ट ओके दे आफ्टर सरनेम है देन एंटर सरनेम ओके फादर्स नेम फर्स्ट नेम ओनली सो डिटेल्स एंटर कर लो

एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ सेम कर लो ऑटोमेटिकली कॉपी कर लेगा मोबाइल नंबर जो मेंशन कर रहे हो यहाँ वो थ्रू आउट द प्रोसेस सेम होना चाहिए गाइस क्योंकि ओटीपी इस पर आने वाला है मेल आईडी भी आपको वही रखना है फिर आप बोलोगे मैं पासवर्ड भूल गया और पता नहीं चल रहा है ठीक है मोबाइल नंबर चेंज बिल्कुल नहीं करना है उसके बाद आपको पासवर्ड सेलेक्ट करना है चूज योर पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड सिक्योरिटी पिन सेव एंड प्रोसीड ओके सो लेट्स वील डिटेल्स वन बाय वन ओके सो पर्सनल डिटेल्स हैव बीन फिल्ड नाउ नाउ एड्रेस एड्रेस है ओके जस्ट क्लिक ओवर हियर सेम कॉपी हो जाएगा दे आफ्टर मोबाइल नंबर ओके थ्रू आउट द प्रोसेस सेम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अगेन आई एम सेइंग ओके ध्यान में रखना है नाउ चूज योर पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड एंटर सिक्योरिटी पिन एंड सेव एंड प्रोसीड ओके सो वन टाइम पासवर्ड ओटीपी आपको मिल चुका है आपके मोबाइल नंबर पर चेक कर लो यहां एंटर कर लो एंड वेरीफाई ओटीपी सो दिस इज माय एप्लीकेशन नंबर ओके ऑलरेडी आपको मैसेज भी आ चुका है मेल भी आ चुका है स्टिल ये जो एप्लीकेशन नंबर है

अपलोड फोटो सिग्नेचर अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी प्रिव्यू वैलिडेट इंफॉर्मेशन पे एप्लीकेशन फीस प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म सो सारा प्रोसेस यहां ऑनलाइन दे दिया है ओके okay? कोई एफसी सेंटर पर विजिट करने का प्रोसेस अभी तक तो यहां नहीं दिखाया है ठीक है लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट प्रोसेस लेट्स फिल ऑल दिस डिटेल्स सो डोमिसाइल एंड कैटेगरी डिटेल्स पर आ जाते हैं फर्स्ट नाउ डोमिसाइल डिटेल्स आर यू बिलोंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगर मैं यस yes कर रहा हूं देन आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है यहां मैं कैटेगरी सेलेक्ट कर रहा हूं ओपन ठीक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंडर ये मुझे पूछ सकते हैं क्योंकि मैंने एनुअल इनकम काफी कम रखा है ठीक है अगर मैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आता हूं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हूं देन तो मैं यहां यस एंटर कास्ट नेम मुझे यहाँ सेलेक्ट करना चलो मैं कास्ट नेम यहां लिख देता हूँ सेलेक्ट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं अवेलेबल अप्लाइड बट नॉट रिसीव अगर अवेलेबल है ओके okay, वो आपको अपलोड करना पड़ सकता है इफ अवेलेबल नहीं है कोई बात नहीं अप्लाइड बट नॉट रिसीव पे क्लिक करो ओके डब्ल्यू एस सर्टिफिकेड एप्लीकेशन नंबर आपने जो अप्लाई किया था उसका नंबर लिख दो ईडब्ल्यू एस एप्लीकेशन डेट कौन सी डेट पर आपने अप्लाई किया था वो लिख दो सर्टिफिकेट इशुंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आपको मिल रहा है तालुका से मिल रहा है ओके okay? ये डिटेल्स है सेम अगर आप यहां कोई भी कास्ट सेलेक्ट करते हो ठीक है पहले महाराष्ट्र कैंडिडेट के लिए मैं बता देता हूं फिर ओ के लिए भी बताऊंगा यार अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूं कि एस सर्टिफिकेट यस अवेलेबल अप्लाइड बट नॉट रिसिव नॉट अप्लाइड सेलेक्ट कर सकते हो अगर, अगर अवेलेबल है ठीक है मुझे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है अप्लाइड बट नॉट रिसिव तो अप्लाई किया है तो रिसिप्ट नंबर एंटर करो डेट एंटर करो ठीक है नॉट अप्लाइड ठीक है अभी तक अप्लाई नहीं किया है कोई बात नहीं लेकिन कैटेगरी मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया ठीक है यानी कैटेगरी के हिसाब से एट हंड्रेड पे करने हैं लेकिन डॉक्यूमेंट जो है मुझे लेटर अपडेट करना है अगर मैं बाद में अगर डॉक्यूमेंट नहीं अपडेट कर पाऊ तो मैं ओपन कैटेगरी एज अ ट्रीट होने वाला हूं हो, कब कैप राउंड के समय जब एडमिशन होगा तब ठीक है ऑल दोज कैंडिडेट अगर जो ओ से बिलोंग करते हैं यहां सेलेक्ट कर लो नो कैटेगरी डिटेल्स यहाँ सिर्फ आपको डब्ल्यू के लिए पूछेगा क्योंकि अगर आप अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में कैटेगरी में आते हो तो यहां नहीं आने वाले हो, याद रखना है. तो मैं यहां एज अ महाराष्ट्र चलो भाई ईडब्ल्यू एस में मैं नहीं हूं मैंने नो no कर लिया कास्ट नेम पर्सन विद डिबिलिटी नो सेव एंड प्रोसीड ओके कैटेगरी डिटेल्स इन फील्ड क्वालिफिकेशन डिटेल्स ग्रेजुएशन और इक्वेलन डिटेल्स सो ग्रेजुएशन पास हो या अपीयरिंग पास हो ईयर मेंशन करो कोर्स ड्यूरेशन ठीक है ब्रांच स्ट्रीम ग्रेजुएशन मार्क्स परसेंटेज में है या सीजीपीए में वो आपको एंटर करना है नाउ अगर अपीयरिंग कैंडिडेट हो तो यहाँ अपीयरिंग सेलेक्ट करो कोर्स ड्यूरेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई थ्री इयर्स की डिग्री थी ठीक है ब्रांच जिसमें भी आपने किया है बीकॉम बीए बीएससी आईटी जो भी है सेलेक्ट कर लो चलो भाई मैं यहां सेलेक्ट कर लेता हूँ सेवन प्रोसीजर सिंपल है मार्क्स वगैरह कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं है ऑल कैंडिडेट जो पास कर चुके हैं पासिंग ईयर सेलेक्ट करो यहां से कोर्स ड्यूरेशन थ्री इय फोर ईयर्स कर लो ग्रेजुएशन मार्क्स टाइप परसेंटेज थे तो परसेंटेज नाउ मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा अवॉर्डेड क्लास सीजीपीए है तो सीजीपीए सेलेक्ट करो सीजीपीए ऑफ टेन यहाँ लिखो सीजीपीए आउट ऑफ यहां लिखो इक्वल एंड परसेंटेज यहां लिखो अवॉर्डेड क्लास ठीक है कोई मिस्टेक नहीं करनी है इसमें अब मैं यहां विद रिस्पेक्ट टू मार्क्स

से, स्टेट सेलेक्ट कर लो मैंने महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लिया अब महाराष्ट्र की मैं कोई भी चार डिस्ट्रिक्ट यहां सेलेक्ट कर सकता हूं सो so, पहले मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया भाई मुंबई ठीक है नियर बाय मुझे डिटेल्स चाहिए इसलिए मुंबई सब अर्बन ठीक है फिर यहां चूज कर लेता हूँ पुणे ठीक है एंड आफ्टर जो भी नियर बाय है चूज करोगा इस ठाणे ठीक है सो डिटेल्स सो जो सेंटर है नियर बाय होना चाहिए क्योंकि फिर लास्ट टाइम ऐसे ही हुआ था कि स्टूडेंट कह रहे थे कि मुझे सेंटर काफी दूर दूर मिल गए, से बिलोंग करते हैं ध्यान है, okay? में रखना है जैसे मैंने यहां गुजरात सेलेक्ट लिया गांधीनगर आ गया ठीक है अब रिस्पेक्टिव सिटी नाउ इफ आई एम फ्रॉम अदर देन महाराष्ट्र स्टेट तो मैंने यहां नो सेलेक्ट किया था सेलेक्ट no किया था सेवन प्रोसीड डिटेल्स किया था राइट अब देखो कि मुझे एग्जामिनेशन सेंटर मैं चूज कर रहा हूँ चलो मैं आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट टू गुजरात का हूँ चलो मैंने यहाँ गुजरात सेलेक्ट कर लिया तो गांधीनगर एक मुझे प्रेफरेंस मिल चुका है सेकेंड प्रेफरेंस अब मुझे महाराष्ट्र के जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें से ही सेलेक्ट करना है ठीक है सो so, ध्यान में रखना है कि आपके रिस्पेक्टिव स्टेट से आपको एक सेंटर तो मिल जाएगा अगर आप महाराष्ट्र ट्रैवल करते हो तो महाराष्ट्र में भी ऐसी सिटी चूज करो जहां आप ट्रैवल कर सको ओके okay, ध्यान रखना है सो so, मैं यहाँ अगेन वापस सेलेक्ट कर रहा हूं महाराष्ट्र ये महाराष्ट्र में, में मेरी चार सिटीज हो गई मुंबई सिटी मुंबई मुंबईन सब, थाने पालघर ओके सेव एंड सिग्नेचर अगेन ओपन ये सिग्नेचर हो गया अपलोड ओके okay, दोनों चीजें अपलोड हो गई सेव एंड प्रोसीड काफी सिंपल है अब यहाँ क्या देखो पैन कार्ड इंडियन पासपोर्ट वोटर कार्ड आधार कार्ड आधार कार्ड सेलेक्ट कर लो सबसे बेस्ट ठीक है अपलोड ओपन ठीक है एंड नाउ सेव एंड प्रोसीड सो दिस इज माई कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म प्रिव्यू एंड वैलिडेट एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म को आप देख सकते हो भाई यहाँ भी अभी कुछ मिस्टेक है तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके सारी डिटेल्स वापस फिलअप कर सकते हो ठीक है परमानेंट एड्रेस सब चेक कर लो डोमिसाइल कैटेगरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हाँ सब कुछ बराबर है ओके आधार कार्ड प्रोसीड फॉर पेमेंट नाउ प्लीज चेक द डिटेल्स फिल इन एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुल द पेमेंट आफ्टर मेकिंग पेमेंट यू विल नॉट बी एबल टू मेक एनी चेंजेस इन द एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स सो लास्ट ईयर कैसे हुआ था कि आपको एफ सी सेंटर विजिट करना था फैसिलिटेशन सेंटर और वहां अपने डॉक्यूमेंट्स जो है रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट्स उनको वेरीफाई कराना था अब इस बार प्रोसेस ऐसा नहीं है आप सिंपली बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो दैट्स इट बहुत सिंपल प्रोसेस है इस ओके सो इफ ऑल दी डिटेल्स आर करेक्ट आर यू श्योर प्रोसीड टू पेमेंट यस पे सेलेक्ट कर लो ओके नाउ आई हैव टू पे थाउजेंड रुपीज क्योंकि मैंने यहां ओ एम एस एज अ कैंडिडेट सेलेक्ट किया है राइट सो सेलेक्ट ओवर यर प्रोसीड टू पेमेंट नाउ सेलेक्ट एनी पेमेंट गेट वे आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्रोसीड ठीक है वेरी सिंपल प्रोसेस ओके और जब तक पेमेंट ना हो डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन हो गई है ओके सेलेक्ट यूपीआई ओके कार डिटेल्स नेट बैंकिंग वॉलेट ई एम आई कोई भी एक सेलेक्ट कर लो पे नाउ पे क्लिक कर लो आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म हो चुका है और इसकी पीडीएफ जो है वो सेव करके रखो सॉफ्ट कॉपी जरूरी है कैप राउंड के समय भी आपको अपलोड करना होगा ओके okay? इनकेस अगर आप भूल जाते हो ध्यान में रखना है एप्लीकेशन फॉर्म को क्यों नहीं अपलोड करोगे तो कैप राउंड के समय फिर वापस हंड्रेड रुपीज पे करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा okay so that's all from my side guys if you have any doubts and queries in your mind ask me in the below comment section okay so that's all guys if you want a preparation join our classroom coaching at mumbai and for all exam updates and notifications follow our social media handles such as the youtube facebook insta and you can also join our telegram group that's all all the best for your career see you in the next video